सीआरपीएफ 18 बटालियन कुलगाम की जानिब से आज सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। इस टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया था और आज बिहीबाग और कुलगाम के दरमियान फाइनल मैच खेला गया और बिहीबाग ने खेल में बेहतरीन मुजाहरा करके टूर्नामेंट को अपने नाम किया। इस मौके पर एसएसपी कुलगाम साहिल सरंगल के अलावा कमांडेंट सीआरपीएफ बीएके चुरसिया मौजूद थे। प्रोग्राम में तमाम खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर जोर दिया गया कि मंशियात के खिलाफ अवाम पुलिस व दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों को अवाम को तावन करना चाहिए। इस मौके पर खिलाड़ियों ने बात करते हुए यूं कहा, वॉलीबॉल क्लब का कैप्टन हूं और यहां सीआरपीएफ 18 बटालियन लारू कुलगाम में एक टूर्नामेंट इनाकाद किया गया था जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया और बीबाग और कुलगाम इसमें फाइनल पहुंची थी और बीबाग विनर अप रही। मैं 18 बटालियन सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने ऐसा टूर्नामेंट खिलाया और अच्छी तरह से इसका एंड भी किया। और मेरी तरफ से यूथ को यही मैसेज है कि वो दिन ब दिन खेलों की तरफ जाए और ड्रग्स को अवॉइड करे, प्ले गेम्स अवॉइड ड्रग्स। जी, मेरा नाम मामसेन भट्ट है, मैं सनशाइन वॉलीबॉल क्लब का हेड कोच हूं और आज हमने ये टूर्नामेंट जीता जो 18 बटालियन सीआरपीएफ की तरफ से इनाकाद हुआ था अंडर सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत। तो हम इनका बहुत आभारी और शुक्रगुजार हैं और हम तवक्का रखते हैं कि आने वाले वक्त में भी ऐसे टूर्नामेंट्स का आगाज़ और इनाकाद होगा, क्योंकि आपको पता है कि डे बाय डे जो इंक्रीमेंट हो रही है ड्रग्स में, उसमें यूथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ऐसे टूर्नामेंट इनाकाद करने से यूथ इन्वॉल्व नहीं होगा। और हम यूथ को भी यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप ड्रग्स की तरफ ना जाए, आप खेलों में अपने आप को इन्वॉल्व करें और हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी ड्रग फ्री हो। थैंक यू सर। सब अफसरान और दो बेहतरीन टीमें जिन्होंने फाइनल में उंदा मैच खेला, काफ़ी क्लोज मैच था। अच्छा लगता है देख के कि कुलगाम के बीच में ऐसे नौजवान हैं जो इतना होनहार बच्चे हैं ये हमारे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज के टाइम में जब हम कोशिश करते हैं सारी सिक्योरिटी फोर्सेस की ड्रग्स के साथ ना जुड़े, तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स से बेहतर जुड़ना कोई चीज़ नहीं है। और एक टीम बहीबाग की थी और दूसरी टीम कुलगाम की थी, इन दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जितना मैंने सीओ साहब से सुना कि 18 बेहतरीन टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें दो ही फाइनल में पहुंची, मुझे लगता है कि दोनों के बीच में बहुत ही बढ़िया उमदा कड़ा मुकाबला हुआ और कोई भी टीम कम नहीं थी। तो विनर टीम को भी मैं बधाई देना चाहूँगा और रनर अप टीम को भी बधाई देना चाहूँगा। और मैं बोलूँगा इन लोगों से, इन नौजवानों से, इन यूथ से जो कुलगाम के हैं, आप अपने साथ सभी को स्पोर्ट्स में जोड़ें और ड्रग्स से बचाएं। आपके मोहल्ले में, घर में, हमसाया, रिश्तेदार, दूर दराज, कभी भी आपको ऐसा कोई लगता है कि जो बच्चा ड्रग्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, आप हमें प्लीज़ उसके बारे में बताएं, हम उसको रिहैबिलिटेट करेंगे और हर उस आदमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे जो ड्रग्स को बढ़ावा देता है और हमारे यूथ को ख़राब करने की कोशिश करता है। लास्ट में मैं फिर से बधाई देता हूँ आप दोनों टीमों को और सीओ साहब का थैंक यू करता हूँ। 18 बटालियन को पूरा आश्वासन देता हूं कि हम बहुत बहुत खुश हुए आपने हमें बुलाया इस फाइनल मौके। एक अच्छे खेल का प्रदर्शन किया और एक बहुत ही अच्छे खेल का आयोजन किया गया। जैसा कि मुझे महसूस हुआ कि मुझे थोड़ा सा एक वो हो रहा था कि मतलब रमज़ान का महीना है और हम लोगों ने शुरू कर दिया, मैच शुरू कर दिया, लेकिन जिस तरीके से रमज़ान के महीने में भी आपका जोश खरोश से 16 टीमों का पार्टिसिपेशन हुआ वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। हम आपको बहुत बहुत तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं और हमें बड़ी खुशी है कि जिस तरीके से आप हमारे फोर्स के कैंप के अंदर एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह जो है अच्छे खेल का प्रदर्शन किया और एक बहुत ही अच्छे खेल का आयोजन किया गया।